वॉर फिल्म कैसे बनने जा रही है बॉलीवुड की बाहुबली। इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म क्यों कहा जा रहा है? वॉर अपने पहले दिन 102 करोड़ का बिजनेस कैसे करेगी और क्या पहले वीकेंड में वॉर 500 करोड़ी फिल्म बन पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड के एक्शन लवर्स के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों के फैंस को इन दिनों बस एक ही फिल्म का इंतजार है और उस फिल्म का नाम है वॉर। इस धमाकेदार एक्शन फिल्म के टीजर हो या ट्रेलर, सभी ने दर्शकों का जमकर प्यार पाया है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसका रैपअप वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ बीते काफी दिनों से अपनी इस फिल्म वॉर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में वॉर का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच घमासान की झलक ने लोगों को दीवाना बना दिया था। इस ट्रेलर में गुरु चेले की जंग काफी दिलचस्प दिखाई दे रही थी और अब शूटिंग के सेट से एक ताज़ा वीडियो लीक हुआ है। इस वीडियो को यशराज फिल्म ने अपनी सोशल मीडिया वॉल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, एंड इट्स रैप फॉर #वॉर, कैच इट इन सिनेमाज नियर यू ऑन 2nd October, #ऋतिक वर्सेस टाइगर, #ऋतिक, #टाइगर श्रॉफ, #वानी ऑफिशियल, #सिद्धार्थ आनंद, #वॉर द फिल्म। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे इस शूट खत्म होने के पलों में इमोशनल होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यहाँ पूरी टीम को आपस में पोज देते, सेल्फी और फोटो क्लिक करते भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि टाइगर ने हाल ही में फिल्म के बारे में बताया था, मैं ऋतिक सर के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ वो कुछ ऐसी है जो एक दूसरे के बिना नहीं बन सकती थी। सही कर्मव्यय और संयोजन और सही स्क्रिप्ट का मिलना दुर्लभ है, जो हम दोनों को ही अपने अपने तरीके से अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका दे। तो इस बात से साफ लग रहा है कि टाइगर श्रॉफ को ऋतिक रोशन के साथ काम करके काफी मजा आया। इनफैक्ट वो खुद कहते भी हैं कि वो खुद ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं। वेल, आपको बता दें कि इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद हैं। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अलावा वाणी कपूर, अनुप्रिया और दीपानिता शर्मा भी अहम किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है और ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि फिल्म क्रिटिक्स अनुमान लगा रहे हैं कि वॉर अपने पहले दिन करीब 102 से 105 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, क्योंकि इन दोनों एक्टरों का बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेट अभी बहुत ज्यादा है। इन दोनों एक्टरों को बॉलीवुड में परफेक्ट एक्टर के रूप में देखा जाता है और सभी वर्ग इनकी फिल्में देखने जाते हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि वॉर अपने पहले वीकेंड में 500 से 600 करोड़ तक का बिजनेस आसानी से कर लेगी और इसीलिए वॉर का कुल अनुमानित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2000 करोड़ी होने की भी संभावना है। और यही वजह है कि इस फिल्म को बॉलीवुड की बाहुबली कहा जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप कितना एक्साइटेड हैं वॉर फिल्म को लेकर और आपको क्या लगता है ये फिल्म अपने ओपनिंग डे कलेक्शन और वीकेंड कलेक्शन में कितने करोड़ कमाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।